पति के कहने पर क्या पत्नी आईपीसी के सेक्शन 498 में पति के घर वालों पर, स्पेसिफिकली माँ बाप पर और भाई बहनों पर, क्या 498 का केस करवा सकती है? और अगर केस करवाती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द सिचुएशन। देखो, नॉर्मली देखा जाता है कि पत्नी पति के खिलाफ भी एलिगेशन लगाती है, पति के घर वालों के खिलाफ भी एलिगेशन लगाती है, और फिर 498 का केस रजिस्टर होता है। और एलिगेशन भी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक एलिगेशन। जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया है तो बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कैसे क्रुएलिटी की है, तभी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सिर्फ जनरल नेचर का एलिगेशन है, तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन पत्नी लगा रही है, इंसिडेंट्स बता रही है, टाइम बता रही है, जगह बता रही है, किस व्यक्ति ने किस तरह से कैसे उसके साथ क्रुएलिटी की है, तभी सेक्शन 498A में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है, अदरवाइज नहीं करवा सकती है। लेकिन जो आज का हम केस समझने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कोर्ट की भाषा में कहें तो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ही कम, रेयरली आते हैं कोर्ट के सामने। इसी तरह से ये केस भी कोर्ट के सामने आया, इसीलिए इस केस को देखकर जज साहब ने कहा कि बहुत ही पैक्यूलियर, बहुत ही विचित्र केस है ये। अब इस केस में जज साहब ने क्या ऑर्डर पास किया, इसको समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सो बेसिकली जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दर्शन कुमार खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में क्या होता है, इस केस के कुछ फैक्ट्स को पहले समझते हैं। इस केस में पति और पत्नी की जो शादी होती है वो होती है 2009 में। कुछ समय के बाद पत्नी पति के कहने पर अपने सास ससुर पर और घर के बाकी मेंबर्स पर एक एफआईआर रजिस्टर करवाती है आईपीसी के सेक्शन 498A में। और भी कुछ धाराएं लगती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा 498A पर। सो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अब उस एफआईआर में एलिगेशंस क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। पत्नी एफआईआर में कहती है कि जो पति के घर वाले हैं वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब कि घर वाले पति और पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं, उनको घर में नहीं रहने देते हैं, घर से बाहर निकालना चाहते हैं उनको। और इसके साथ ही साथ एफआईआर में पत्नी कहती है कि जो घर वाले हैं, जो सास ससुर है, वो मुझको टेरिस पे नहीं जाने देते, गार्डन में जाने नहीं देते हैं, किचन में नहीं जाने देते हैं, किचन के बर्तन यूज नहीं करने देते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आरोप और लगाती है कि जो घर में काम करने वाली बाई आती है वो सभी के तो काम करती है, लेकिन जब मेरा काम करने जाती है तो उसको रोक देते हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस कुछ जो है वो एफआईआर में लगाती है। और फिर जब इस केस में एफआईआर दर्ज हो जाता है, इसके बाद पुलिस इस केस में चार्जशीट फाइल करती है। केस में चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद जो सास ससुर है और घर के जो सभी मेंबर्स हैं वो उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं। और जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो इस केस में कुछ और बातें क्लियर होती हैं, जैसे कि हाईकोर्ट में एक बात पता चलती है कि पति पत्नी ने इस एफआईआर को मिलकर करवाया था। इसके पीछे कारण ये था कि जो लड़का है उनका, वो उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, इसी वजह से उनके बीच में बहुत सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ पर सास ससुर का कहना था कि मेरे बेटे ने ही अपने पत्नी को मोहरा बनाकर 498 का केस हमारे अगेंस्ट फाइल करवाया है, ताकि वो हमको और परेशान कर सके और हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर सके। और जब ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट को समझ में आता है तो इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें अपना ऑब्जर्वेशन रखता है। वो कहता है कि देखो जी, पहली बात तो ये कि 498 का केस ये बनता नहीं है, क्योंकि जो इसमें एलिगेशंस लगे हैं वो सभी जनरल नेचर के हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन पत्नी ने नहीं लगाया है अपने सास ससुर पर या और बाकी घर के मेंबर्स पर। और इसके अलावा दूसरी बात हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो 498 का केस है ये सिर्फ कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज करने के लिए किया गया है। इस केस को देखकर ये लगता है कि पति सिर्फ सरकारी मशीनरी का मिसयूज करना चाहता है, जिसकी वजह से ये सेक्शन 498 का केस फाइल किया गया है, ताकि वो अपने पर्सनल मोटिव को फुलफिल कर सके। हाई कोर्ट को इस केस में एक विचित्र बात ये लगी कि जो कंप्लेंट पत्नी ने किया है उसमें सिर्फ पति के घर वालों पर एलिगेशन लगाए हैं, ना कि पति पर। पति पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए, सिर्फ पति के घर वालों पर एलिगेशन लगाए हैं उनको फंसाने के लिए। सो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही विचित्र केस है, बहुत ही पैक्यूलर केस है, जिसमें पति पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा है, लेकिन पति के घर वालों पर बहुत सारे एलिगेशन लगा रखे हैं। इस तरह के केसेस बहुत ही रेयरली आते हैं, लेकिन जो ये केस है ये बहुत ही विचित्र इसलिए है क्योंकि पति ने खुद ये केस करवाया है पत्नी के माध्यम से। सो ऐसा कहते हुए इस केस में हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया और कहा कि पति पत्नी को मोहरा बनाकर कोई भी 498 का केस नहीं कर सकता है,
इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये केस आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।